रूस यूक्रेन जंग के 29 महीने के बाद यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की की मुराद पूरी होने वाली है। किसी भी वक्त यूक्रेन में F-16 लड़ाकू विमानों की एंट्री होने वाली है और जानते हैं इस बार नेटो के कई देश F-16 फाइटर जेट की खेप यूक्रेन को सप्लाई करेंगे। यानी जेलेंस्की जिस जंगबाज की मांग महीनों से कर रहे थे, जल्द ही वो यूक्रेनी वायुसेना के बेड़े में शामिल होने वाला है। मगर इसी बीच पुतिन की वार्निंग ने यूक्रेन से लेकर यूरोप तक खलबली मचा दी है। आखिर कैसे वॉर जोन में F-16 की दस्तक न्यूक्लियर विनाश की सबसे बड़ी वजह बनेगी, देखिए इस रिपोर्ट। Transfer of F-16 jets is underway. बीते 2.5 साल से रूस यूक्रेन जंग पूरे चरम पर है। हर नए दिन प्रचंड तबाही, बारूदी कोहराम और भीषण नरसंहार की तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं। मगर अब रूस यूक्रेन जंग एक ऐसे मोड़ पर जा पहुंची है जहां पुतिन और जेलेंस्की का एक भी दांव साक्षात विनाश ला सकता है। यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप में भी तबाही मचा सकता है। वॉशिंगटन में नेटो की समिट हुई और दुनिया के शक्तिशाली सैन्य संगठन के इस बैठक में बड़ा ऐलान हुआ, वो ये कि जिस आसमानी जंगबाज की मांग जेलेंस्की बीते कई महीनों से कर रहे थे, एयर जोन का वही लड़ाका अब यूक्रेन को मिलने वाला है। यूक्रेनी वायुसेना के बेड़े में शामिल होने वाला है। And I'm also pleased to announce that as we speak, the transfer of F-16 jets is underway, coming from Denmark, coming from the Netherlands. And those jets will be flying in the skies of Ukraine this summer to make sure that Ukraine can continue to effectively defend itself against the Russian aggression. तो क्या जल्दी ही F-16 लड़ाकू विमान की खेप की पहुंचने वाली है? क्या इस जंगबाज के आने के साथ ही जेलेंस्की ब्रिगेड रूस के खिलाफ सबसे विस्फोटक काउंटर अटैक का आगाज कर सकती है? नेटो की बैठक में यूक्रेन को लेकर बड़ा फैसला हुआ और खुद बाइडेन ने इस फैसले पर मोहर लगा दी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि नेटो के कई सारे मुल्क अपने F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को डिलीवर करेंगे। जहां डेनमार्क 19 F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को डिलीवर करेगा, वहीं नीदरलैंड्स 24 F-16 फाइटर जेट यूक्रेनी वायुसेना को देगा। इसके अलावा नॉर्वे 6 F-16 फाइटर जेट यूक्रेनी सेना को सप्लाई करेगा। सबसे पहले डेनमार्क और नीदरलैंड्स ने यूक्रेन को F-16 देने का ऐलान किया था, मगर नेटो की बैठक के बाद नॉर्वे भी यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने को तैयार हो गया। बस फिर क्या, F-16 फाइटर जेट की यूक्रेन को डिलीवरी से जुड़ी खबरों के बाद क्रेमलिन में भी खलबली मच गई है। प्रेसिडेंट पुतिन भी भड़के हुए हैं और नेटो के इस फैसले पर रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान भी जारी किया गया है। मौजूदा वक्त में अमेरिका युद्ध माफिया ग्रुप की अगुवाई कर रहा है और इस गैंग के टारगेट पर रूस है, इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान दिए जा रहे हैं ताकि यूक्रेन इस फाइटर जेट के जरिए रूसी धरती को दहला सके। आपको बता दें कि पुतिन पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि अगर F-16 लड़ाकू विमान की डिलीवरी यूक्रेन को हुई
अगर F-16 से रूसी धरती पर हमले हुए तो इसके जवाब में रूसी डिफेंस यूक्रेन का वजूद मिटाएगा ही, बल्कि इसके साथ साथ यूक्रेन की मदद करने वाले यूक्रेन के F-16 लड़ाकू विमानों को अपना एयर स्पेस देने वाले हर मुल्क पर रूस हमला करेगा। यूक्रेन बॉर्डर से सटे नेटो की हर एयर स्ट्रिप को तबाह करेगा। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के एयरबेस को निशाना बना रही है। ऐसे में यूक्रेन ने अपील की है कि उसे मिलने वाले F-16 विमान नेटो की एयर स्ट्रिप पर तैनात हो। आखिर वो एयरबेस कौन कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले बात पोलैंड की, जहां नेटो की दो एयर स्ट्रिप है। पहली जशोफ एयरबेस, जो कि यूक्रेन बॉर्डर से करीब 80 किलोमीटर दूर है, तो वहीं पोलैंड में मौजूद नेटो का दूसरा एयरबेस लुब्लिन है, जिससे यूक्रेन बॉर्डर की दूरी करीब 110 किलोमीटर है। मुमकिन है इन दोनों बेस पर F-16 विमान तैनात हों। इसी तरह रोमानिया में नेटो का मिहाइल कोग्लोचिनो एयरबेस है, जिसकी यूक्रेन बॉर्डर से दूरी करीब 106 किलोमीटर है। रोमानिया का ये एयर स्ट्रिप ब्लैक सी के भी काफी नजदीक है। पोलैंड और रोमानिया की तरह लिथुएनिया में भी नेटो का जीनिया एयरबेस है, जहां पर पश्चिमी देशों से मिलने वाले F-16 लड़ाकू विमानों को खड़ा किया जा सकता है। ये इलाका बेलारूस बॉर्डर के पास मौजूद है। ठीक इसी तरह बाल्टिक देश एस्टोनिया में भी नेटो का अमारी एयरबेस है। हालांकि अमारी एयरबेस यूक्रेन बॉर्डर से काफी दूर है, लेकिन बाल्टिक सी से नजदीक होने के चलते ये भी काफी अहम ठिकाना है। ऐसे में यहां भी F-16 विमान मोर्चा संभाल सकते हैं। बीते 15 दिनों में यूक्रेन के 30 से ज्यादा एयर स्ट्रिप और एयरबेस को रूसी वायुसेना ने मिसाइल हमले में तबाह कर दिया है। रूस की घातक मिसाइलों के टारगेट पर सिर्फ यूक्रेन के एयरबेस ही नहीं, बल्कि वहां तैनात लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं। बस इसी बात से यूक्रेन सहमा हुआ है। यूक्रेन को डर है कि अगर F-16 को उसने यूक्रेन के किसी बेस पर तैनात किया तो रूस को भनक मिलने के साथ ही वो उसकी एयर स्ट्रिप को भी तबाह कर देगा, वेस्ट से मिले F-16 विमानों की बलि ले लेगा। ऐसे में यूक्रेन अपने बॉर्डर से सटे नेटो की एयर स्ट्रिप पर F-16 विमान को खड़े करने की मांग कर रहा है, लेकिन रूस ने भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन हो या फिर नेटो के देश, जहां F-16 की तैनाती होगी उस एयर स्ट्रिप को रूसी मिसाइलें तबाह कर देंगी, F-16 विमानों को जलाकर राख कर देंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि पुतिन F-16 फाइटर जेट से इतने सहमे हुए क्यों हैं? क्यों पुतिन नहीं चाहते कि F-16 लड़ाकू विमान की खेप यूक्रेन पहुंचे? तो इसकी वजह है अमेरिकी आसमानी जंगबाज का दमखम। अमेरिकी जंगबाज F-16 चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इस फाइटर जेट का कुल वजन करीब 9,207 किलोग्राम है। F-16 लड़ाकू विमान की मारक क्षमता करीब 4,220 किलोमीटर है। ये Mach 2 यानी करीब 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। F-16 फाइटर जेट एडवांस्ड एरोडायनेमिक्स और एवियोनिक सिस्टम से लैस है। इसमें रेडार गाइडेड AIM-7 स्पैरो मिसाइल लगी होती है। वहीं AIM-120 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी लगी होती है, जो हवा में मौजूद हर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। F-16 फाइटर जेट में 20mm की M61A1 कैनन भी लगी होती है, जो ताबड़तोड़ अंदाज में गोलियां बरसाती है। एडवांस तकनीक और घातक ब्रह्मास्त्रों से लैस ये सुपर फाइटर किसी भी जंग का रुख बदल सकता है। अपने विस्फोटक प्रहार से दुश्मन सेना में सनसनी मचा सकता है, दुश्मन के सैन्य ठिकानों और इलाकों को तबाह कर सकता है। ऐसे में ये लड़ाका यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो, उससे पहले ही पुतिन ने वहां जंग का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।